एक बार हम लोग गाड़ी वालों से पूछते हैं, अगर ये ऊपर तक छोड़ देंगे तो। ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके, रात को शायद टेम्परेचर जो है वो -3 तक गिर सकता है। मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, दवाई खा ली मैंने अभी तो, लग रहा था मेरे को फीवर आ सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल दोपहर में लांगजा से जब निकले थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी और साहिल की। तो उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं करा। 4 बजे जहाँ पर आ गए थे वापस कासा होटल में, उसके बाद से मैं और साहिल सो ही रहे हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं। अब थोड़ा हल्का सा बेटर है, दवाई मेडिसिन ले ली थी, थोड़ा सा बेटर हो गया है। प्लान ये था कि आज मॉर्निंग में अगर सब ठीक रहता तो आज मॉर्निंग में डायरेक्ट निकलते हैं हम लोग 6-7 बजे के अराउंड, और डायरेक्ट हम मनाली जाते हैं। बट अब लेट निकलेंगे तो मनाली तो नहीं, हम बाटल जाएंगे, बाटल में स्टे करेंगे आज, उसके बाद मनाली जाएंगे। तबीयत अभी थोड़ी बहुत ठीक है बट अभी वीकनेस है, ऑलमोस्ट सारे बीमार पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि कितना व्लॉग कर पाऊँगा मैं, पर जैसा रहेगा मैं अपडेट देता रहूँगा। अभी हम यहाँ रुके थे कुल्लोसार में, कुछ खाया था इस वाले ढाबा पे, कुंजन ढाबा। अभी निकल रहे हैं, काजा से निकले थे हम लोग 12:30, 12:30 बज गए थे ना अभिशान, 12:30 बज गए थे काजा से। तबीयत अभी थोड़ी ठीक लग रही है, इसे थोड़ा सोचा थोड़ा व्लॉग ही कर लेते हैं फिर। बाकी अभी काजा से लेके यहाँ तक का जो रास्ता था बहुत अच्छा था, आई मीन रोड जो है वो बहुत अच्छे हैं, नज़ारे ही बहुत अच्छे हैं इधर के। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है गगन की बाइक में, तो बीच बीच में उसके बाइक को थोड़ा पैर लगाना पड़ता है पल्सर को। अच्छा यहाँ पे भी एंट्री होनी है, पुलिस चेक पोस्ट लो सर, पता नहीं थोड़ा बहुत खाया लो सर में तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो एंट्री हो गई, अब निकले हैं। थोड़ा डबल डबल चला रहे हैं, थोड़ी और दिक्कत हो रही है। अदरवाइज गगन के पल्सर पे जितना वेट था वो सारा निकाल दिया ताकि थोड़ा चढ़ने में आसानी हो, अदरवाइज उसको थोड़ा चढ़ने में आसानी हो रही है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इतना, गलती हमसे ये हो गई कि हमको काजा में ही एयर फिल्टर चेक करवा लेने चाहिए था। तब तक बाइक ठीक चल रही थी तो इतना ध्यान नहीं दिया हमने, और बाइक में थोड़ी दिक्कत आ रही है। पर अभी मनाली तक कुछ नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है। अभी बाटल 40 किलोमीटर है, एंड यू गाइस कैन सी कि रोड अच्छा है। बाटल तक लास्ट का कुछ पैच है जो 6-7 किलोमीटर का, वो ख़राब है। उसके बाद से बाटल से लेके छतरु वो पूरा ख़राब पैच है, बहुत ख़राब पैच है। जिला पैच ठीक है और नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं यार, इस पैच के नज़ारे ज़्यादा अच्छे हैं एक्चुअली। बस ये वाला ख़राब पैच स्टार्ट हो चुका है, बहुत ख़राब है पैच। ये पैच ऑलमोस्ट छतरु जैसा ही है, पर छतरु का पैच अगर देखोगे ना दिखाऊँगा वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है वाला पैच, ज़्यादा ख़राब है। ये वाला भी ख़राब है पर वो वाला इससे भी ज़्यादा ख़राब है, पर नज़ारे बहुत अच्छे हैं। रास्ता जितना ख़राब है उतने अच्छे नज़ारे हैं। हमने वो पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ वाले, आई एम डैम श्योर कैमरे में नहीं इतना अच्छा दिख रहा होगा, पर ट्रस्ट मी बहुत सही है वो, बहुत अच्छा हो। देखो कितना खूबसूरत है यार ये, बहुत खूबसूरत। देखो हवा बहुत तेज चल रही है और बहुत ठंडी हवा है, वो आ गया कुंजुम पास। ओके चलो सर, एक बार तो बनता है यार।
बारह कुंजम पास सबने एक बार परिक्रमा ले ली। विकास और पंकज निकल गए, अब हम लोग भी निकल रहे हैं। कुछ भी कहो यार, शांति बहुत है, बहुत शांति है। चलो चलें अब। बादल ज़्यादा दूर नहीं आ गए, 10-12 किलोमीटर मैक्स। ओके, अब आगे छाओ और बढ़ेगी ठंड। नीचे तो पूरा छाओ है तो ठंडा लगेगा। मैंने ग्लोव्स पहन लिए, बैग लोग रोक के। हाँ, तो मैं बहुत ठंड लग रही थी। तो फाइनली वी आर रीच्ड बाटल विद इन टाइम। अभी 5:15 हो रहे हैं, 5:15 बजे हम पहुँच गए। अभी हम देख रहे हैं, ये है गाइस गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। यहाँ पे अगर कुछ मिलता तो ठीक, लॉक लगा होता, केयरटेकर आगे नीचे होगा, नहीं तो हम लोग चाचा चाची ढाबे पे रुक जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे दूसरे कैंप्स भी खुले हुए हैं, रुकने का तो हो जाएगा। चलो अच्छा है, कितना अच्छा होता अगर इधर धूप आ रही होती। उस साइड आ रही धूप, इधर से तो चली गई है। फाइनली गेट खुला। तो यार हमने अभी ये डोमेट्री ली है, अच्छी है अंदर से काफ़ी। अभी खाना खाने जा रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। फिर पीछे देख सकते हो बर्फ़ के पहाड़। रात को शायद टेम्परेचर जो है वो -3 तक गिर सकता है। मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, दवाई खा ली मैंने, अभी तो लग रहा था मेरे को फीवर आ सकता है। ये रहा चाचा चाची ढाबा, पर हम सुबह खाएंगे यहाँ, अभी नहीं खा रहे। अभी हम कहीं और जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ।